जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि लगन वाइज हमें एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस को प्रेडिक्ट करना सीखना है, ज्योतिष में कुंडली किस तरह से देखी जाती है वो हमें सीखना है, तो आज कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लगन वाइज देखेंगे कि हर लगन से क्या क्या चीज़ें हमें निकल कर सामने आती हैं, और सभी लग्नों को कंप्लीट करने के बाद हम कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सा लगन हमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी बाई बर्थ दे रहा है। हमारा हर लगन जो होता है वो अपने आप में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है, और आज हम उसी पूरे सिस्टम को सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो लगन है वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेष लगन से। मेष लगन की कुंडली हमारे पास है, तो इसके बारे में आप लोगों को जैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये चल स्वभाव है, ये अग्नि तत्व है, ये क्षत्रिय राशि है, और मेष लगन वालों के लिए 11वां भाव बाधक होता है, इसलिए शनि इनका बाध्येश है और मेधा जो है वो इसका सिंबल होता है। तो आइए देखते हैं कि मेष लगन वालों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या उनकी जरूरतें होती हैं और क्या वो समस्याएं उनकी जिंदगी में आती हैं, उसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष एक चर स्वभाव की राशि है। अब चर स्वभाव की राशि होने की वजह से क्या होगा, जो मेष लगन के जितने भी जातक आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जो है मूवमेंट पसंद करने वाले होंगे, मूविंग होंगे, यानी कि एक जगह टिक कर काम ना करना, स्टेबिलिटी से काम ना करना, चेंजेस को जिंदगी में प्रेफरेंस देना, बार बार कोई ना कोई परिवर्तन जो है अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा रखते हैं। तो चर स्वभाव वालों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि वो स्टेबिलिटी से कोई काम नहीं करते हैं। यही चीज मेष लगन वालों के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए मिलती है कि जितने भी मेष लगन के लोग होंगे उनकी जिंदगी के अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी ड्यू टू हिज मूवेबल नेचर। आप कोई भी अगर आप काम करते हैं तो बहुत जल्दी दूसरे कामों से इरिटेट हो जाते हैं, और आपके परिवर्तन करने की जो स्वभाव है आपका, उसकी वजह से आपको अपने नेचर से मजबूर होते हुए काम को परिवर्तित करना पड़ता है। तो किसी भी काम को ज्यादा लंबा ना करने की जो एक आदत है वो मेष लगन वालों को सबसे ज्यादा तंग करती है। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि होने की वजह से क्या है, अग्नि तत्व राशि होने की वजह से है कि ये जो लोग होते हैं ये अग्नि प्रधान लोग होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर अग्रेशन गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। और आप दूसरा पॉइंट ये देखिए कि अग्नि तत्व होने की वजह से बहुत ही जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं, ये इनके स्वभाव की प्रॉब्लम है जो आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से इनको समस्या जिंदगी के अंदर क्रिएट हो सकती है इनकी जिंदगी के अंदर। हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि एक क्षत्रिय राशि है। अब मंगल को हमने सेनापति माना है, इसका लग्नेश मंगल है और वो सेनापति है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी के अंदर ये लोग जो है मेष लगन के जितने भी लोग हमारे पास आएंगे वो लोग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी रखने का मतलब क्या है, लीडरशिप क्वालिटी रखने का मतलब ये है कि ये जिंदगी के अंदर हर काम को आगे बढ़कर करना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग अच्छी है, ये लीड करते हैं, ये कमांडिंग होते हैं, बट चूंकि सेनापति होता है ना वो अपनी चलाने की कोशिश करता है, वो सुनता नहीं है किसी की, तो ये एक समस्या जो है इनके साथ रह सकती है कि ये सुनते किसी के नहीं है, ये हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शनि इनके बाधक हैं, शनि इनके बाधक भी हैं और लगन में यहाँ पर नीच के भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिंदगी के अंदर शनि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे और उसकी वजह से इनको जिंदगी में कठिनाई होगी। बेशक ये लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, बट शनि क्या है, शनि है नौकर वर्ग, शनि क्या है चाकर वर्ग, यानी कि जो इनके एम्प्लॉयज होंगे, जो इनके अंदर काम करने वाले लोग होंगे उनकी वजह से इनको जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और चूंकि ये यहाँ पर अपने से लाभ स्थान पर नीच के हैं, तो वो आपको लाभ जो आप जनरेट करना चाहते हैं शायद वहां पर वो आपको जनरेट ना करने दें, ये भी एक समस्या जो है आप मेष लगन की अगर है तो आपको यहाँ पर आने वाली है। और एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर बताता हूं, हमारी हर राशि का एक सिंबल होता है और वो सिंबल जो होता है वो हमें तंग करता है, हम ये कह सकते हैं कि वो तंग करता है या उसका इम्पैक्ट जो है हमारी जिंदगी के अंदर आता है। अब ये आप देखिएगा कि मेढ़ा है, मेढ़ा होने से क्या होता है, मेढ़ा होने से क्या है
कि आपने भेड़ का मेल होता है, भेड़ का मेल होता है उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े सींग होने से क्या होता है, बड़े बड़े सींग होने से क्या होता है कि आप कभी मेढ़े को चलते हुए देखिएगा, वो अपने सींग जब जगह 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 जो है वो मारता फिरता है, उसका इम्पैक्ट इनके जिंदगी पर क्या रहता है, उसका इम्पैक्ट इनकी जिंदगी के अंदर ये रहता है कि माय डियर फ्रेंड्स, मेष लगन वालों की एक आदत होती है कि ये हर काम में अपना सिर फंसाने की कोशिश करते हैं, और यही एक इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप देखिएगा कि एक तो मूवी नेचर और दूसरा हर जगह अपने काम फंसाने की आदत, ये क्या देती है, ये इनको ये देती है कि ये लोग जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी काम को स्टेबिलिटी से नहीं करते हैं, बट चूंकि हर जगह सिर फंसाने की आदत है इस वजह से इन लोगों को जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये किसी भी काम को सिरे नहीं चढ़ा पाते हैं। अब इकट्ठे इतने सारे काम शुरू कर लिए और नेचर मूविंग है, चर है, इसको छोड़ा दूसरा शुरू कर लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा शुरू कर लिया, काम कोई भी सिरे नहीं चढ़ता। मैक्सिमम कुंडलियां अगर आपके पास मेष लगन की आती हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो यही रहती है कि ये जितने भी लोग हैं ये कभी भी काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और बीच में ही काम छोड़ जाया करते हैं, या इनकी जिंदगी में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इसका सिंबल होना है, जिसकी वजह से ये जिंदगी में परेशान रहते हैं और जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक और मैं आपको बात बताता हूं, शुक्र जो है, यहां मैं लिख देता हूं, शुक्र जो है इनके लिए महामारक ग्रह है। महामारक होने का मतलब क्या है, शुक्र इनके लिए महामारक होने का मतलब क्या है, शुक्र महामारक होने का मतलब यह है कि दूसरे और सातवें दोनों भावों का स्वामी है। इसका मतलब जिंदगी के सुखों को ये इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। शुक्र जो होता है लग्जरीज का कारक होता है और ये जिंदगी के सुखों को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के साथ जिंदगी के अंदर रहती है। और चूंकि ये सेनापति हैं, सेनापति आप देखिएगा कि मैक्सिमम युद्ध के मैदान में ही देखे जाते हैं, घर उनके पास समय नहीं होता घर वालों को देखने के लिए, तो एक बहुत बड़ी समस्या मेष लगन वालों के लिए ये भी आता है कि ये अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से, और ऊपर से शुक्र महामारक है इनके लिए, तो ये एक बड़ी समस्या बहुत बड़ी रहती है इन लोगों के लिए कि ये परिवार को समय नहीं दे पाते और सुखों को भोग नहीं पाते, तो परिवार से इनकी एक दूरी जो है वो बरकरार रहती है। एक और बात मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, संतान स्थान का जो स्वामी है वो यहां पर उचका होता है, मेष लगन में सूर्य यहां पर उचका होता है ना, तो इनकी जो संतान होती है वो बहुत ही प्रतिष्ठावान होती है और उसकी वजह से इनका एक अलग ही सम्मान होता है। जबकि इनकी पत्नी स्थान में देखें तो आप शुक्र की राशि आ रही है और तुला राशि आ रही है, यानी कि पत्नी बहुत सुंदर सुशील शांत स्वभाव की और अपने आप को बैलेंस करने वाली, जबकि ये अग्रेसिव नेचर के। मैरिटल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मेष लगन वालों को फेस करनी पड़ती है सिर्फ इस नेचर की वजह से, जबकि प्रोफेशन का मालिक भी शनि है, इनकम का मालिक भी शनि है और उनकी कुंडली में बाधक है, ये भी एक समस्या जो है इनको फेस करनी पड़ती है। तो प्यारे मित्रों, अगर आपके पास मेष लगन की कोई कुंडली आती है तो आप ध्यान रखिएगा, एक समस्या क्या होगी कि वो बड़ी जल्दी ही अपने काम से या अपनी लाइफ में किसी भी चीज से इरिटेट होकर उसको चेंज करने की नेचर लाते हैं। अग्नि तत्व होने की वजह से उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, क्षत्रिय होने की वजह से ईगो प्रॉब्लम होती है, लीडरशिप होती है बट ईगो प्रॉब्लम होती है, शनि बाधक है इसकी वजह से एम्प्लॉयज के साथ नहीं बनती है, अंडर काम करने वालों की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे बड़ी समस्या हर काम में सिर फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई काम इनका सिरे नहीं चढ़ पाता और जिंदगी के सुखों का आनंद नहीं लेते हैं। ये समस्याएं लेकर एक मेष लगन का व्यक्ति आपके पास अपनी कुंडली दिखाने आ सकता है। और ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों कि अगर ये चीज आपके साथ होती है तो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि माय डियर, आपको एक ही काम के ऊपर फोकस करना है, आपका काम हो जाएगा। एक काम पे फोकस कीजिए, मूवमेंट करना बंद कीजिए, गुस्से को शांत रखिए, ईगो प्रॉब्लम को शांत रखिए, एम्प्लॉयज के साथ बनाकर रखिए, जगह जगह काम में सिर मत फंसाइए, एक ही जगह स्टेबल रहिए और जिंदगी के सुखों का आनंद लीजिए। ये आप सॉल्यूशन जो है मेष लगन वालों को दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वृषभ लगन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।